फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप सबने देखा हम सब यमुना जी में नाव की सैर करते हुए श्री द्वारिकाधीश जी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। आज हम आप सबको लेकर चल रहे हैं राधा रानी जी के गांव बरसाना, जहां हम सब दर्शन करेंगे कीर्ति मंदिर, कुशल बिहारी मंदिर और लाडली जी का। जी हाँ दोस्तों, बरसाना में लोग राधा रानी को दुलार से लाडली जी या लाडली लाल कहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं भी इस समय बरसाना में हूँ। हमारे पीछे देखिए कीर्ति मंदिर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग सवेरे मथुरा से 8 बजे एक इको बुक किए, लगभग 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ बरसाना पहुँच गए हैं। हम लोग अभी कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इधर जूता स्टैंड है, यहाँ पर जूता अपना निकाल करके रख दिए हैं और कीर्ति मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। इस गेट से एंट्री है, यहाँ चेकिंग पॉइंट है लेडीज जेंट्स का अलग अलग। बहुत सुंदर मंदिर है, सुंदर सी चार दीवारी की गई है। देखिए कितना सुंदर मोर का चित्र बनाया गया है, मोर का ही ग्रिल बनाया गया है, देखिए कितना सुंदर है। और इधर देखिए कितना सुंदर मंदिर दिखाई पड़ रहा है, और नीचे मार्बल लगा है, देखिए सफेद मार्बल है। कितना धूप है तो भी पैर में चटके नहीं लग रहे हैं, पैर नहीं जल रहा है। तो दोस्तों चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों बहुत सुंदर मंदिर है, अंदर दर्शन करके आए, थोड़ा सा वीडियो निकाला है। वीडियो निकालने की परवानगी नहीं है, वीडियो निकालने का परमिशन नहीं है, फिर भी थोड़ा चुपके से वीडियो निकाला। और इस तरफ देखिए हर जगह पे राधा रानी और किशन कन्हाई, इन्हीं दोनों का राज चल रहा है यहाँ। वहाँ देखिए कृष्ण भगवान और राधा जी नाच रही हैं और नीचे सब गोपियाँ नाच रही हैं, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और पीछे देखिए रासलीला कर रहे हैं कृष्ण भगवान गोपियों के साथ, नृत्य कर रहे हैं उनके साथ में। दोस्तों बहुत सुंदर मंदिर है और मूर्तियां इतनी मनमोहक हैं, इतनी सुघड़ हैं कि क्या कहना। अंदर में राधा कृष्ण का और यशोदा मैया का मूर्ति इतना सुंदर था, लेकिन अफसोस वीडियो निकालने को नहीं मिला अंदर में। दोस्तों अभी हम लोग बरसाना चौक के पास पहुंच गए हैं। यहाँ एक देखिए सुंदर सा गेट बनाया गया है, महारो प्यारो बरसाना ब्रज भाषा में उस पर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जाना है। राधा रानी का मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे। हम लोग जिस इको से आए थे वो ऊपर राधा रानी मंदिर के पास जाने को तैयार नहीं हुआ, वो बोला हम लोगों को वहाँ जाने का परमिशन नहीं रहता है। तो हमने एक लोकल इको किया है, ये भाई साहब 600 रुपये में हमको लेके जा रहे हैं। हम लोग 10 जन हैं तो यहाँ 100 रुपये एक जन का रेट है, लेकिन ये भाई साहब हम लोगों को 60 रुपये के रेट से लेके जा रहे हैं। ये देखिए ड्राइवर साहब है, इसको क्या पहाड़ बोलते हैं, इसको ब्रह्मांचल पर्वत है। ब्रह्मांचल पर्वत, ब्रह्मांचल पर्वत है, ब्रह्मा जी के 3 सिर है। अच्छा, रामगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़। सामने बिलासगढ़, देखिए सामने बिलासगढ़ दिखाई पड़ रहा है और ये ब्रह्मांचल पर्वत है। देखिए इस तरह का, देखिए मोरदार कैसा रास्ता है, इस पे राधा रानी विराजमान है। बाप रे, वाह वाह। दोस्तों अभी हम लोग कुशल बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये मंदिर राजा मान सिंह ने बनवाया था और ये राजस्थान सरकार के अंडर में आता है, यहाँ की देख रेख राजस्थान की सरकार करती है। भारत की प्राचीन भवन निर्माण शैली कितनी उन्नत थी, आप इस मंदिर की बनावट से देख सकते हैं कि राजा रजवाड़े जिस शैली में बनाए जाते थे बिल्कुल उसी शैली में बनाया गया है। देखिए यहाँ पर दिया जला के रखते हैं, कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है। मंदिर के भीतर देखिए इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ रहा है,
पुराने जमाने का दरवाजा देखिए, धातु पत्र से आवरणित किया गया है, धातु पत्र का आवरण चढ़ाया गया है। देखिए कैसी डिजाइन है इसकी। ये हैंडल है उस जमाने का, कड़ा हैंडल, भारी है ना। जाली बनाई गई है देखिए हवा जाने के लिए, जिससे ताजी हवा का प्रवाह निरंतर बना रहे। बच्चियां एक दूसरे को सजा रही हैं। हमारी कोमल भी देखो परी बन रही है। हो गया, थैंक यू। देखो कैसा लगा है। मेरा इस तरफ राधा रानी का मंदिर है, तो चलेंगे राधा रानी का मंदिर और राधा रानी का दर्शन करेंगे। चलो बहन माला सिंह, एक एक गजरा ले लो बारों में लगाने के लिए। देखिए सब सामान बिक रहा है, कंठी माला। राधे राधे भाई, राधे राधे। इस तरह से राधा रानी के मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है। यहाँ देखिए धन धन राधिका के चरण, छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। कितना सुंदर पीले पीले फूल आए हुए हैं देखिए। कोई भी तुमको ही बोलता है कैसे लगाया है मेहंदी। अरे तो क्या हुआ, कोई 20 रुपए में नहीं लगाएगा। अरे आप तो लगा रही हो, आप लगा रही हो, आप तो दिखाओ को मेरे इधर हाथ। ये देखिए मेहंदी लगवाई हमारी बिटिया इनके पास। कोमल साइड पैर बहुत जल रहा है। यहाँ देखिए वाह वाह क्या सजावट की गई है, देखिए कितना सुंदर सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर का दृश्य देखिए भक्ति में दिखाई पड़ रहा है। जय श्री राधे, ओम लाडली लाल की जय। दोस्तों बरसाने में राधा रानी को प्यार दुलार से लाडली जी कहा जाता है, और मंदिर में राधा रानी के सामने राधा रानी के प्रेम और भक्ति की रसधार बह रही है। लोग खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कोई राधा रानी के ध्यान में हाथ जोड़े है तो कोई बंद आंखों से दर्शन कर रहा है। बराती हमको भी कुछ दे दो। दोस्तों लाडली जी की पूजा में चढ़ाए गए श्रृंगार की चीजें जैसे चुनरी सिंदूर चूड़ियां पुजारी जी भक्तों को बांट देते हैं, जिसे लोग बड़ी उत्सुकता से मांग लेते हैं और पूजा घर में रखकर पूजा करते हैं। ए बाबू कुछ दे दो चुनरी उनरी कुछ। मुझे भी प्रसाद के रूप में एक लाल रंग की चुनरी मिल गई है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसे मैं अपने घर के मंदिर में रखूंगा। राधे 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 राधे। सबसे अच्छे दर्शन हुए मथुरा में हम लोगों के राधा रानी मंदिर के। अच्छे से वीडियो भी निकालने को मिला और दर्शन करने को भी एकदम अच्छे से मिला। बाकी सब जगहों पे किसी भी मंदिर में अंदर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था कहीं भी, लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
राधा रानी के मंदिर से बरसाने का भिहंगम दृश्य कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम आप सबको लेकर चलेंगे वृंदावन, जहाँ हम सब दर्शन करेंगे विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर का, जिसकी सुंदरता और कलात्मक कारीगरी आपको एकटक निहारने को मजबूर कर देगी और यहाँ के म्यूजिकल फाउंटेन को देखकर आप भी उनके साथ झूम उठेंगे। वाह वाह।